पॉजिटिव कोट्स लिख के आप अपने घर पे पॉजिटिविटी ला सकते हैं। और बहुत ही इजी डीआईवाई डेकोर बता रही हूँ मैंने, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये खूबसूरत डेकोर बनाया है, आप भी बना सकते हो। आज मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है। जी हाँ, एक स्क्वायर शेप में मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है। आप चाहो तो कोई भी पार्सल बॉक्स का ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे कलर कर लिया है। मैंने येलो कलर का कलर करा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेदर लुक देना था इसमें। उसके बाद मैंने कुछ यूज़लेस पिस्ता के छिलके ले लिए। हर इंसान के घर में लगभग छिलके ये होते हैं, इसे फेंकने नहीं है। फिर यूज़लेस नेल पेंट या कोई भी फालतू नेल पेंट्स हो, उससे आपको पिस्ता के छिलकों पर कलर करना है। ये बहुत ही लॉन्ग लास्ट रहता है नेल पेंट से कलर करने पे, प्लस बहुत वाइब्रेंट लुक लगता है, बहुत ही अच्छा शाइनी सा लुक लगता है क्योंकि नेल पेंट ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास नेल पेंट ना हो तो आप कोई भी पेंट ले सकते हैं, लाइक आपके पास जो भी अवेलेबल हो, वाटर कलर हो, कोई भी कलर ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। वन बाई वन बहुत ही क्लीनली उस पर कलर करना है। जब सब कलर हो जाएंगे उसको ड्राई होने देना है। मैंने नेल पेंट के सारे कलर बहुत ही वाइब्रेंट लग रहे हैं। अब इसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कलर बना लिया है, मुझे किस तरीके की सीनरी बनानी है। मुझे एक पेड़ बनाना था तो पहले मैंने पेड़ का कलर बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक अच्छा सा ट्री ड्रॉ करूँगी। पहले आपको डिज़ाइन सोच के रखना है, उसके बाद ही आप करिएगा। मेरा जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ करा है वो 010 है और बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस तरीके से मूव हो रहा था, बहुत अच्छे से स्लाइड हो रहा था। अगर आपको पूछना है कि किस तरीके के अगर आपको ब्रश चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, आई विल राइट डाउन देयर। उसके बाद मैंने अपनी पूरी अच्छे से ट्री बना लिया और वन बाय वन मैंने अपने पिस्ता के कलर जो किए थे ना उसको अच्छे से चिपका देना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने ये पिस्ता को छिलके पे कलर करके ये कर क्या रही हूँ मैं, वन बाय वन आपको पता चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव कोट लिख ली, कुछ भी आप लिख सकते हो। मेरी पॉजिटिव कोट थी बिलीव इन मैरिकल्स। यस, बिलीव इन मैरिकल्स, इट्स वेरी लवली एंड ऑसम कोट, आई लव टू डू दिस। उसके बाद जब मैंने इस पर बहुत ही कामली पेंट से ही करा है, अगर आपको पेंट ब्रश से लिखने में ईजी ना लग रहा हो तो आप स्केच पेन से भी लिख सकते हो। जी हाँ, क्योंकि लिखना इज़ वेरी टिपिकल समवेयर, बहुत से लोग नहीं लिख पाते हैं, तो आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। कोट लिखने के बाद पूर्व मैंने क्या करा, जो मैंने पिस्ता के छिलके बनाए थे उसको एक्चुअली मैंने बर्ड का शेप दिया है, मतलब पिस्ता के छिलके तो लगे थे, आईज और उसकी बीक बना दी मैंने, चोंच तो ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चिड़ियाँ एक पेड़ पे बैठी हैं, बड़ी कलरफुल कलरफुल वाइब्रेंट कलर की बर्ड्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पत्ती तो बनाना भूल ही गई थी, बिना पत्ती का पेड़ कैसा होता है ना। तो सबसे पहले फिर मैंने इसको कलर करके पत्तियाँ वन बाई वन बना लेनी है। आप जैसे भी चाहो इस पर फ्लावर भी बना सकते हो और या फ्रूट्स टांगने हो तो वो भी बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने इसको थोड़ा हरा भरा लुक दे दिया और कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और ये मेरा मिरेकल प्लांट रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिएटिव एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके चेक करिए, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।